अब मैं सादर अनुरोध करता हूं कि अपने परम आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय अमित शाह जी, जो जन जन के विश्वास के प्रतीक के रूप में हम सबको संबोधित करें। आदरणीय गृह मंत्री जी, अब मैं सादर अनुरोध करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी है, झारखंड में विकास का काम हुआ है, चाहे गांवों का विकास हो, चाहे वो आदिवासियों का हो, दलितों का हो, पिछड़ों का हो, यानी समग्र झारखंड वासियों का अगर विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार जब जब बनी है तब ये विकास का काम हुआ है। और जब जब झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में सरकार बनी है, झारखंड का तो विकास नहीं हुआ, अपनों का ही लोगों ने विकास किया, अपना परिवार का ही लोगों ने विकास किया है। और इसलिए अगर हम कहें कि पूरे 5 वर्षों तक आज भी हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की सरकार चल रही है, ये 5 वर्षों तक इन लोगों ने झारखंड को लूटा भी है और झारखंड वासियों को इन लोगों ने ठगा भी है। एक भी उन्होंने कोई काम ऐसा वादा किया उन्होंने पूरा नहीं किया। और झारखंड को इस प्रकार से लूटा, चाहे बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे खदान ये लोहा हो, चाहे कोयला हो, चारों तरफ लूट ही लूट अपनी तिजोरी को भरते रहा है। अब झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर भी इन 5 वर्षों में पूरी तरह से बिगड़ा है। आज यहां पर मां बहने कहीं की भी कोई सुरक्षित नहीं है, आए दिन हत्या, चोरी, डकैती ये सब हो रही है। यानी आज जिस पुलिस का काम हुआ करता था कि अपराधियों को पकड़ना, लेकिन आज उनको भी ये टूल्स की तरह उपयोग करते हैं, वसूली में लगा रखे हैं। इस कारण से आज झारखंड की जो कानून व्यवस्था है पूरी तरह से यह बिगड़ा हुआ है।